देखो भाई, वैसे तो अकेले में भी कह सकते, लेकिन सबके सामने कह दे। श्वेतांबर मंदिर में जाने का चालू है जी। श्वेतांबर मंदिर में कोई चड्डा पहन के नहीं जा सकता, लिखा भी है, अपने आप ही लिखवा दो। बिल्कुल इस समय इस मंदिर में, इस पूरे समय शिखर जी क्षेत्र में इस मंदिर की शुद्धता अलग है। हम इस संस्कृति को बचाए रखें या भारतीय परंपरा का प्रयोग करें। कोई चड्डा बड्डा पहन के मत आओ, भारतीय शादी शुदा हो तो साड़ी पहनो, फला हो तो वैसे रहो। बच्चा ये देखना चाहिए कि फिल्मी माँ में और इस माँ में कोई अंतर दिखना चाहिए। जैन माँ में, जैन माँ है, और बच्चे अभी तो कह रहे आजकल कहा फर्क है जैन अजैन में, ब्यासी पहन रहे, ब्यासी खा रहे, ब्यासी पिज्जा खा रहे, ऐसी अपन खा रहे। जब उसने बच्चे ने बचपन से देखा, बचपन से ही देखा ब्यास ही खा रहा है, ब्यास केवल मंदिर को अंतर है बस। जैनियों में अजैनियों में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? केवल मंदिर का अंतर बस। और वो भी गए तो नहीं जा, तो उनको तो बेचारो वो भी नहीं। दिशा पाटनी का आया, एक दिन मंदिर नहीं गई दिशा पाटनी। जैन शासन में जन्म लेके कलंकित है। हाँ, उसका बाप वो इंजीनियर है, वो उसमें क्या कहलाता है फोर्स में है। एक बहन उसकी फोर्स में गई, जेल चली गई, कितनी बार रेप हो गए इसकी, भंडार मंडार के साथ उसका नाम था एक, उसके साथ मैंने अभी भी ऐसी कपड़े पहने घूम रहे। हमें मतलब नहीं है, बच्चे आज भी कंपेरिजन नहीं कर पा रहे कि हमारा जैन धर्म माने गरिमामय ड्रेस, गरिमामय खान पान। मैं सच कह रहा हूँ, आप दादर जाके देखो, दादर में 100% महिलाएं मारा इस तरह की है, तुम्हारी मारवाड़ी नागदा समाज की 100% महिलाएं लहंगा लुगड़ा पहनती हैं आज भी, जो मारवाड़ी ड्रेस है, मारवाड़ी ड्रेस 100%। बहुत खुशी होती, मैंने तारीफ की इस बात की, मैंने बच्चे जो देखेंगे ना वो सीखेंगे। आप बच्चों को कितना सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे। बच्चों को उपदेश मत दीजिए, आदर्श बनिए। सबसे कह रहे ये बात, सबके सामने इसलिए कह रहे कि देश भर भी सुन ले। मंदिर में ऐसे वैसे कपड़े पहन के मत आओ, भारतीय परंपरा में जो अपनी साड़ियाँ हैं पहनो, जो अपन पंडित साहब की मर्यादा रखते हैं, आचार्यों की मर्यादा रखते हैं, तो मंदिर की मर्यादा। मैं फिर एक बात याद दिला रहा हूँ कि ये मंदिर पूरे श्वेतांबरों ने लिख रखा है, वहाँ पर्दा डाले ओके, वो ओढ़े बिना कोई नहीं आ सकता। सिखों में आज भी कोई माई का लाल जाता है सिर ढकता है, मुसलमानों में टोपी लगाते हैं, और हम अपने घर में कौन सी ड्रेस पहनने लगे, समझ गए? बड़े बुजुर्गों से मिलते समय सील धर्म का पालन, लज्जा का पालन, खान पान का पालन सब सही करो, ताकि तुम गर्व से कह सको हम वहाँ गए थे। ऐसे जा भी भाई साहब के सामने ऐसे जाती हूँ, मैं ऐसे खाती हूँ, मैंने आपको यहाँ का नाम भी लोगे ना हमारा या पंडित साहब का, तो फिर आपकी मर्यादा खान पान रहन सहन बहुत अच्छा होगा। आज तुम गर्व से कह सकते हो हम भाई साहब से जुड़े, इनके घर कभी चले जाओ, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, दूध पानी घी सब शुद्ध। अब जी है गर्व की बात, ठीक है, विचार ना, टाइम बहुत हो गया, नहीं जिंदगी थी।